A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the story Fritz by Satyajit Ray for class 12 ISE for their 2024 examinations. Okay, we'll be studying this story in detail, line by line, and this is the first part of the story जिसमें हम लोग introduction देंगे पहले story का. तो the सबसे first thing here is this is Satyajit Ray जिनकी story है ये Fritz. ठीक ना, Fritz यहाँ पर क्या है? Fritz एक Swiss या Switzerland से लाई हुई एक doll का नाम है जिसको यहाँ पर title दिया गया है as Fritz. Okay, तो we'll study a small paragraph about the story. ये जो PDF है, this I will send you on Telegram, Diva Classes. Description box में उसकी link है. और ये जो part है, in case a long question comes, जो बड़ा वाला question होता है, 10 number तक का जो question होता है, उसमें you can write it as your opening lines. तो उससे बहुत अच्छा impact पड़ता है. तो the story, the short story Fritz is written by Satyajit Ray. Published in his book Collected Short Stories is about ये जो story है किसके बारे में? It is about a Swiss doll that is name of it is Fritz. Is a recount. Now this as a story is a recount of the narrator Shankar. Means यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है. एक है Shankar, ठीक है, he is a narrator also. जहां पर भी I लिखा हुआ है in general बिना inverted commas के, तो वहां पर everywhere is Shankar. And second is Jayanto, his friend. Now these two, अब what you need to do is कि आप अपनी textbook खोलो और उसमें जहां जहां पर भी लिखा हुआ अलग अलग सबके dialogues होंगे, तो वहां पर S for Shankar and J for Jayanto लिख देना, so that whenever you read it again आपको आसानी होगी. Okay, so this is a recount. Recount, हम recall कर रहे हैं of the narrator Shankar when he went, कि वो अपनी उस story को बता रहे कि जब वो गया था अपने friend Jayanto के साथ बूंदी in Rajasthan, it is a place in Rajasthan, वहाँ वो गया था. Titled after the doll, the story Fritz, मतलब Fritz जो story है उसका name, उसका title जो है उसी doll का नाम, doll के नाम पर ही पड़ा है. Is narrated in first person. I, me का use हुआ है इसमें. और ये किसके according show किया गया है? यहाँ पर शंकर का perspective show किया गया है. And that provides a realistic depth into Jayanto's point of view. और इससे हमें बहुत ज़्यादा Jayanto का point of view क्या है? उसके बारे में भी पता चला है. Unclouded. Clouded means covered. तो uncovered by Jayanto's irritational fears and beliefs. और यहाँ पर क्या हो रहा है कि Jayanto, जितनी भी आप पूरी स्टोरी आपने पढ़ी होगी, अगर इन केस नए भी पढ़ी है तो अभी आपको ये समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर Jayanto, जस्ट बिकॉज कि वो ऑलरेडी बूंदी एक प्लेस जहाँ राजस्थान में जहाँ वो जा चुका था पहले, वहीं पे ही जब वो दोबारा जाता है तो उसको अगेन सम सॉर्ट ऑफ इरिटेशनल, कुछ इरिटेट करने वाले उसको डर और कुछ उसके मान्यता, कुछ उसके बिलीव्स उसको वापस से परेशान करते हैं. और इस पूरी स्टोरी की जो मेन थीम्स है, दैट इज फ्रेंडशिप, लॉस्ट फ्रेंड्स, मेमोरीज, चाइल्डहुड, सुपरस्टिशंस, फियर एंड कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब दो इमोशंस या दो लोगों के बीच में कुछ मतभेद होती है, उसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. द वर्ड सुपरस्टिशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय नेचुरल, सुपर नेचुरल, बियॉन्ड नेचुरल इज समथिंग सुपर नेचुरल, या पैरानॉर्मल भी हम उसी को कहते हैं जिसको साइंटिफिक स्टडी प्रूफ नहीं कर सकती है उसके लिए. कि घोस्ट है तो आर दे और आर दे नॉट, तो ये चीजें पैरानॉर्मल में आती हैं. अकॉर्डिंग टू द रीडर्स बिलीफ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट टू बिलीव और थिंक, कि मतलब ये रीडर खुद ही जानता है कि वेदर ही विशेस टू बिलीव इट और नॉट. और यही सेम स्टोरी का एंड भी है जो हम लोग पार्ट टू में पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ अगेन ये छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन है कि ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक सुपर नेचुरल इंसिडेंट के बारे में, दैट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय शंकर, दिस इज एस एच द नरेटर ऑफ द स्टोरी. एंड और उसका जो फ्रेंड है वो दोनों के, मतलब इन दोनों के ही बारे में है. फ्रिट्ज has a lot of throes, मतलब ये जो story है इसके पास lot of questions हैं that remain unanswered right at the end of the story. मतलब जो story का end है वो बहुत abrupt है,
अचानक से सडन है, स्ट्रेंज है, वियर्ड है, जिसके कारण रीडर के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं जो आंसर नहीं हो पाते। रिवॉल्विंग अराउंड द थीम ऑफ फ्रेंडशिप और देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट आल्सो, स्टोरी शोज दैट रे द ऑथर सत्यजीत रे His penchant for suspense and mystery means he has a strong liking or fondness for suspense and mystery. उनको ये वाली stories लिखना बहुत पसंद था. Okay, now we will move towards the story itself. The story Fritz. Beginning with the story, it says that after having stared at Jayanto for a moment. Now, यहाँ पर ये जो पूरी story है, ये कौन बता रहा है? ये शंकर बता रहा है. Okay, again I am saying कि अपने पास textbook में when you will read this, when you will study this story, अपने पास यहाँ पर S और J ऐसे करके लिखते जाना, so that whenever you read it on your own, आपको आसानी हो. मतलब यहाँ पर आप देखो शुरुआत किससे की गई है, यहाँ पर शंकर कहानी बता रहा है, एक समझ लो. वो कह रहा है कि आफ्टर हैविंग स्टेयर्ड, मैंने बहुत देर तक जयंत तो उसका फ्रेंड उसको देखा, फॉर अ होल लॉन्ग मिनट आई कुड नॉट हेल्प आस्किंग हिम. तो शंकर इज सिटिंग एट अ प्लेस, वो जयंतो से पूछता है, बहुत देर तक जयंतो को देखते हुए उसने उससे पूछा कि क्या तुम ठीक हो, You seem to be in low spirits today. तुम आज बहुत ज्यादा energetic, बहुत ज्यादा enthusiastic नहीं लग रहे हो. क्या हुआ? तुम थोड़ा सा dull sound कर रहे हो. Jayanto quickly lost his slightly preoccupied air. अब यहाँ पर क्या, उसने एक बहुत ज्यादा this is losing the air, मतलब whatever is inhaled inside उसको preoccupied, slightly थोड़ी सी preoccupied, पहले से occupied की हुई एयर को उसने क्या किया, लॉस्ट किया. मींस ही जस्ट एक्सहेल्ड आउट, गेव मी अ बॉयश स्माइल, उसने मुझे एक छोटी सी बॉय काइंड ऑफ स्माइल दी और उसने बोला नो ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर, और नहीं ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट वेल, मैं ठीक हूँ और मुझे मैं यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. दिस प्लेस इज ट्रूली वंडरफुल. ऑब्वियसली दे आर टॉकिंग अबाउट बूंदी, राजस्थान. अब ये लोग आगे इसी के लिए ही बात करेंगे. ओके, तो शंकर आस्क, एस लिखा है ना, तो शंकर कहता है यू हैव बीन हियर बिफोर, क्या तुम यहाँ पहले आ चुके हो. डिडंट यू नो, नहीं वो उससे पूछ रहे, उसको बता रहे कि तुम यहाँ पहले आ चुके हो. डिडंट यू नो हाउ गुड इट वॉज, तो क्या तुम्हें उस समय नहीं पता था कि ये प्लेस जो है वो कितनी अच्छी है. जयंतो कहता है, अब जयंतो इज अ पर्सन हु इज नियरली मतलब ही इज रादर सैड काइंड ऑफ पर्सन, और शंकर यहाँ पर नरेटर है, भूलना नहीं, ठीक है. आई हैड नियरली फॉरगॉटन, जयंतो साइड, उसने कहा कि मैं ऑलमोस्ट भूल चुका हूँ कि मैं कभी यहाँ पर आया भी हूँ. नाउ सम ऑफ माई मेमरीज आर कमिंग बैक, अब धीरे धीरे मेरी कुछ मेमरीज हैं जो वापस आ रही हैं. द बंगलो सर्टेनली अपियर्स अनचेंज, ये बंगलो जहां हम रह रहे हैं वो अभी तक वैसे ही है. आई कैन इवन रिकॉग्नाइज, अनचेंज मींस अभी तक वैसे ही है. आई कैन इवन रिकॉग्नाइज सम ऑफ द ओल्ड फर्नीचर, कुछ पुरानी फर्नीचर हम देख सकते हैं. सच एज दीज केन चेयर्स एंड टेबल्स, नाउ दीज आर द केन चेयर्स, ठीक है. तो केन चेयर्स कौन से होते हैं, ये मटीरियल होता है जिससे हम लोग इसमें यहाँ पर वीविंग करते हैं. तो दिस इज द काइंड ऑफ केन चेयर्स. द बियरर केम, अ बियरर कोई इंसान जो सामान पकड़ कर लेकर आ रहा था, अ पर्सन हु होल्ड समथिंग केम इन, वो आया और क्या लेकर आया, टी, चाय और बिस्किट लेकर के आया. ऑन द ट्रे आई पोर्ड, मींस पोर करना ग्लास में या कप में उसको फिल करना. देन शंकर सेड व्हेन डिड यू कम हियर लास्ट, तुम यहाँ पर इससे पहले कब आए थे, वो पूछता है जयंतो से. जयंतो कहता है मैं यहाँ पर आया था 31 years ago when I was 6 then. तो अभी वो कितने साल का हुआ, 6 + 31, तो it will be 37 years. Okay, फिर क्या बोला है यहाँ पर, that we were sitting in the garden. Now यहाँ पर शंकर is जस्ट बिकॉज ही इज अ नरेटर, तो वो क्या कर रहा है, ही इज जस्ट टेलिंग अबाउट द स्टोरी कि हम लोग वहां पर गार्डन में बैठे थे. ऑफ द सर्किट हाउस, वॉट इज अ सर्किट हाउस, इज द हाउस फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स
अकोमोडेशन मतलब उनको मिलता है, हर सिटी में ये होता है, देयर इज वन सर्किट हाउस पर सिटी और स्मॉल टाउन, जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब में सर्किट हाउस आपको मिलेगा, और ये एक जनरल हाउस के जैसे ही होता है, बस एक जैसा होता है एवरीवेयर, जैसे एक ही प्ले एरिया है उसी में ही बहुत सारे हाउसेस जैसे बने हुए हैं, अटैच्ड हैं, टुगेदर हैं, रो हाउस हैं, बट ये बने रहते हैं, तो दीज आर सर्किट हाउसेस। वी हैड अराइव्ड ओनली दैट मॉर्निंग, और उसी दिन सुबह हम लोग आए थे, जयंतो एंड आई वर ओल्ड फ्रेंड्स, वी हैड गॉन टू द सेम स्कूल गए हम लोग, सेम कॉलेज गए, ही नाउ वर्क इन द एडिटोरियल डिविजन ऑफ अ न्यूज़पेपर। इसको लर्न कर लेना, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जयंतो का प्रोफेशन क्या था, और आई टॉट इन स्कूल, और शंकर कौन था, ही वॉज ए स्कूल टीचर, ऑल्दो वी हैड डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स, हम लोग की जॉब्स जो थी वो अलग अलग थी, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं था हमारी फ्रेंडशिप को, मतलब देयर वाज नथिंग, कि ऐसा नहीं था कि हमारे पास टॉपिक्स नहीं थे डिस्कस करने के लिए। वी हैड बीन प्लानिंग अ ट्रिप टू राजस्थान, हम लोग बहुत समय से सोच रहे थे कि राजस्थान जाएं, बट सिर्फ इतना सा इशू था दैट द डिफिकल्टी ले इन बोथ ऑफ अस बीइंग एबल टू गेट अवे टुगेदर, कि दोनों लोग साथ में जाएं उसके लिए हमें टाइम अलग से स्पेयर करना पड़ रहा था, दैट हैड एट लास्ट बीन मेड पॉसिबल, और फाइनली वो चीज हुई। मोस्ट पीपल कहाँ जाते हैं, वो जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ जाते हैं व्हेन दे गो टू राजस्थान, बट जयंतु केप्ट टॉकिंग अबाउट गोइंग टू बूंदी। अब उसको इस प्लेस पे जाना था और वो इसी के बारे में बहुत ज्यादा बातें करता था, और मुझे भी कोई इससे ऑब्जेक्शन नहीं था क्योंकि हमने टैगोर की पोयम एक पढ़ी थी, द फोर्ट ऑफ बूंदी, आई वॉज सर्टेनली फेमिलियर विद द नेम ऑफ द प्लेस। मैंने मतलब देखो, वो कह रहा है कि उसके पास क्या मेन रीजन था, कि क्योंकि उसने टैगोर की एक पोयम पढ़ी थी, रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोयम पढ़ी थी, द फोर्ट ऑफ बूंदी, और मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर था उस प्लेस से इसी के कारण, और मैं आई वॉज वेरी प्लेजर, इट हैज इट वुड बी अ प्लेजरेबल एक्साइटमेंट इन साइड मी एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एक्चुअली सीइंग द फोर्ट, कि मुझे वही जो मैंने पोएम में पढ़ा था, मुझे वही फोर्ट इन रियल देखना था, और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, एट द प्रोस्पेक्ट, एट द पॉसिबिलिटी ऑफ सम इवेंट। नॉट मेनी पीपल केम टू बूंदी, बहुत ज्यादा लोग बूंदी नहीं आते हैं, बट ऐसा नहीं है दैट देयर वॉज नॉट टू मच टू सी हियर, बट दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। इट कुड बी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ हिस्टोरियन, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़ हैड अ लॉट मोर टू ऑफर, बट सिंपली एज अ ब्यूटिफुल प्लेस बूंदी वॉज परफेक्ट, कि अगर हम लोग एक हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उदयपुर, चित्तौड़ एंड जोधपुर, ये तीनों जगह बहुत सुंदर है, बट मतलब बहुत ज्यादा देखने को वहां पर मिलता है, बट अगर एक ब्यूटिफुल प्लेस की बात करें तो फिर बूंदी बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मतलब इट इज परफेक्ट इन एवरी सेंस। हाउएवर जयंतोस इंसिस्टेंस, बार बार किसी चीज पर एम्फेसाइज करना, जोर डालना कि चलो बूंदी चलते हैं, डिड पजल मी समवॉट, उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था, समवॉट थोड़ा सा। आई लर्नड द रीजन ऑन द ट्रेन When we were coming down, और जब हम यहाँ पहुंच रहे थे उस समय मुझे पता चला कि रीजन क्या था उसके यहाँ आने के। जयंतोस फादर अनिमेश दास गुप्ता हैड वर्कड इन द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके जो फादर थे, जयंतो के फादर, वो एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम कर चुके थे। हिज वर्क समटाइम्स टुक हिम टू हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड जयंतो हैड एज अ चाइल्ड कम टू बूंदी, और उनके जो काम थे, किसके फादर के, वो उनका काम कई कई बार उनको ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में ले जाता था, और जयंतो भी इसी के कारण बूंदी आया था। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू रिटर्न आफ्टर ग्रोइंग अप, बड़े होने के बाद जयंतो चाहता था कि ये वहां पर वापस आए, बट टू सी हाउ मच मॉडर्न बूंदी कंपेयर टू द मैज इमेज ही हैड इन हिज माइंड, और वो क्यों वापस आना चाहता था कि सिर्फ ये याद रखने के लिए कि जो मॉडर्न बूंदी है वो कैसा है एज कंपेयर टू जो इमेज उसके दिमाग में है बचपन की। लाइक आपके भी दिमाग में, आप बचपन में जहाँ गए होगे, घूमे होगे या इवन रहे होगे,
इन योर मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होम, तो आपको भी एक इमेज याद होगी वहां पर कि अच्छा वो ऐसी प्लेस होती थी, हो सकता है अब चेंज हो गया हो. तो सेम थिंग इज हेयर ऑल्सो. द इमेज द सर्किट हाउस, ऑलरेडी टोल्ड कि सर्किट हाउस क्या होता है, दिस इज द इमेज ऑफ सर्किट हाउस. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अब इसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है. द सर्किट हाउस वॉज रियली रादर स्प्लेंडेड. नाउ यहाँ पर स्प्लेंडेड मीन्स वेरी गुड, तो यहाँ पर इसी का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है. यू नीड टू लर्न इट सेपरेटली, जो भी काम काम की चीजें वो हमने आज हेडिंग मेंशन कर दी है, सो दैट आप उसको अलग से प्रिपेयर कर लो पॉइंट्स में. द सर्किट हाउस वॉज रियली वेरी स्प्लेंडेड, रादर स्प्लेंडेड, बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश. अब ये जो था बहुत सुंदर जगह थी, ब्रिटिश के जमाने पर ये बना हुआ था. इट मस्ट हैव बीन कितने साल, करीबन 100 साल पुराना होगा. वो एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी, सिर्फ एक मंजिल की बिल्डिंग थी, फ्लोर एक फ्लोर की बिल्डिंग थी, विद अ स्लोपिंग टाइल्ड रूफ. वहां पर कुछ स्लोपिंग टाइल्ड रूफ थे ऐसे करके, ठीक है, जैसे ये स्लोप और टाइल्ड रूफ थे कि ये वहां पर टाइल्स लगे हुए थे उसके स्लोप में. देन नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें, द रूम्स हैड हाई सीलिंग्स. द रूम जो थी वहां पर उसके जो छतें थी वो बहुत ऊंची ऊंची थी. एंड द स्काई लाइट्स हैड लॉन्ग डैंगलिंग रोप्स. अब रुको, स्काई लाइट्स दिखा दे, ये होती है स्काई लाइट, जिसको हम लोग आम भाषा में रोशनदान कह सकते हैं, ऊंचे वाला ये जो होता है, तो अच्छी लैंग्वेज में उसको हम लोग स्काई लाइट्स बोलते हैं. ठीक है, ये दे हैड लॉन्ग डैंगलिंग रोप्स की, उसके साथ साथ इन्हीं इन्हीं स्काईलाइट्स के साथ कुछ एक रस्सी जैसी टंगी होती थी कि उसको खींच के बंद कर सकते हैं हम लोग. फिर डैंगलिंग रोप्स मीन्स स्विंगिंग रोप्स उसके साथ होती थी, रस्सी वी विच कुड बी पुल्ड टू ओपन एंड शट डाउन, जिसको हम लोग खींच सकते थे, सो दैट इट कुड बी ओपन, खोलने के लिए उसको और बंद करने के लिए. द वरांडा फेस्ड द ईस्ट, जो हम लोग की बालकनी थी वो ईस्ट की तरफ फेस कर दी थी. राइट ऑपोजिट इट वॉज अ ह्यूज गार्डन, उसके ठीक सामने क्या था, देर वॉज अ ह्यूज गार्डन जिसमें बहुत सारे रोजेस थे इन फुल ब्लूम, पूरी तरीके से खिले हुए. बिहाइंड दीज वर अ लॉट ऑफ ट्रीज, इसके ठीक पीछे या कह लो कि गार्डन के ठीक बाद में, देर वर अ लॉट ऑफ ट्रीज, ओके, विच ऑब्वियसली हाउस्ड अ वास्ट सेक्शन ऑफ लोकल बर्ड्स, की वहां पे जितनी भी बर्ड्स थी वो उन्हीं ट्रीज के आसपास नजर आती थी. पैरट्स कुड बी सीन एवरीवेयर, हर जगह पैरट्स पिकॉक्स सुने, पैरट्स कुड बी सीन, पिकॉक्स कुड बी हर्ड, बट ओनली आउटसाइड द कंपाउंड, मीन्स वो जो एरिया था, ठीक है, उसी के ही बस आसपास, कंपाउंड इन द सेंस कि एक हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी जिस जिसमें सारे घर एक ही साथ ही जुड़े होते हैं, तो उस एरिया में वहां पर ये सारी चीजें सुनी जा सकती थी, बट ओनली इफ यू गो आउट ऑफ दैट बिल्डिंग. देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ बूंदी दिया गया यहाँ पर कि वो प्लेस कैसी थी, ये तो घर कैसा था, सर्किट हाउस कैसा था. उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ बूंदी, वी हैड ऑलरेडी बीन ऑन अ साइट सीइंग टूर ऑफ द टाउन, कि हम लोग ऑलरेडी निकल चुके थे देखने के लिए कि वो एरिया कैसा है. फेमस फोर्ट ऑफ बूंदी वाज प्लेस्ड अमिड्स द हिल, हिल्स के बीच में वो फोर्ट था बूंदी का. ही वी हैड सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस दैट डे, बट डिसाइडेड टू गो बैक टू टेक अ क्लोजर लुक. हम लोग ने दूर से उसको देखा था, बट हम लोग ने सोचा कि अब हम लोग थोड़ा सा पास से उसको जा करके देखेंगे. द ओनली रिमाइंडर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स वर द इलेक्ट्रिक पोल्स, मतलब बाकी चीजें तो सब पुरानी पुरानी थी, बस ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स थे ये थोड़े से मॉडर्न जमाने के लग रहे थे. ओके, अदरवाइज ऐसे लग रहा था कि ये सब बहुत ही पुराने समय, राजपूताना जब राजपूत थे उनके समय का बाकी सारी चीजें थी, ऐसा ऐसी वो प्लेस थी बूंदी इन राजस्थान. देन द स्ट्रीट्स वर कॉबल्ड मेड ऑफ स्टोन्स, कौन से स्टोन्स, दीज वर द काइंड ऑफ स्टोन्स जिससे वहां की स्ट्रीट्स जो थी वो बनी हुई थी. अभी भी स्टिल कई सारी जगहों पे आपके घर के ही इवन पास में कहीं ना कहीं ऐसी प्लेसेस ढूंढी जाती होंगी जिनपे इन स्टोन्स को कॉबल्स कहते हैं.
द हाउसेज हैड बालकनीज जटिंग और एक्सटेंड आउट ऑफ लाइन. आपने देखा होगा अपने इवन घर पे, हो सकता है आप ही का घर पे ऐसे हो कि जो मेन आपकी छत है, जैसे ये पूरा एरिया आपका छत है, तो उसी से ही एक्स्ट्रा छज्जा कह सकते हैं वैसे करके निकाला जा सकता था. तो क्या कहा गया है कि बालकनीज जो थी दे यूज टू बी एक्सटेंडिंग आउट ऑफ द मेन बिल्डिंग से एक्स्ट्रा ऊपर बालकनीज निकली होती थी. फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर जो कार्विंग थी दोज वर डन ऑन दीज एंड द वुडन डोर्स बोर एविडेंस ऑफ द वर्क ऑफ मास्टर क्राफ्टमैन. जितना भी वुडन जितनी भी लकड़ियां थी उसमें भी डिजाइन बनी थी और जितनी भी बालकनीज और घर थे उसमें भी डिजाइन बने थे. ठीक है, कैसे वाले? सम अराउंड ऐसे वाले. आप देख सकते हो डोर्स पे भी डिजाइन है, जो वॉल्स है उस पे भी डिजाइन है. ओके, देन इट वॉज डिफिकल्ट टू बिलीव वी वर लिविंग इन द एज ऑफ मशीन. और ये बहुत मुश्किल था समझना कि हम लोग मशीन की एज में रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर सब कुछ बहुत ज्यादा नेचुरल और ट्रेडिशनल था. नए जमाने की चीजें वहां पर रेयर थी. सिर्फ एक ही चीज थी जिसको देख के समझ में आ जाता, दैट वॉज इलेक्ट्रिक पोल. आई नोटिस जयंतो हैड टर्न्ड रादर क्वाइट आफ्टर अराइविंग इन बूंदी. कि यहाँ पर पहुंच करके वो बहुत ज्यादा काम डाउन, काम नहीं इन द सेंस कह सकते हो कि क्वाइट हो गया था, इन अ नेगेटिव सेंस. परहैप्स शायद सम ऑफ हिज मेमोरीज हैड रिटर्न्ड, शायद उसकी कुछ मेमोरीज हैं जो उसके सामने आ गई हैं. इट इज ईजी इनफ टू फील अ लिटिल डिप्रेस्ड When visiting a place one may have seen as a child. और ये बहुत आसान सी या नॉर्मल सी चीज है या नेचुरल सी चीज है कि थोड़ा सा इंसान डिप्रेस, परेशान, एंक्शियस हो जाता है या मान लो सैड या अपसेट हो जा सकता है जब वो उस जगह को विजिट कर रहा हो जो उसने बचपन में ऑलरेडी देखी थी. Besides, Jayanto was certainly more emotional than most people. और उसका एक general nature भी था कि वो थोड़ा सा ज़्यादा emotional हो जाता था. Everyone knew that. हर किसी को ये बात पता थी. He put his cup down on the table and said. और उसने बोला, you know Shankar. अब यहाँ पर they would be there somewhere. ठीक है, जहाँ पर उसने जो भी कुछ पी रहा होगा वो, हाँ, वो क्या कहते हैं, what जो पर्सन लेकर के आया था ना, बियरर, चाय और बिस्किट लेकर के आया था, तो वही वो पी रहा था. उसने अपना कप डाउन रखा, ठीक है, वहां से कर, क्योंकि उससे पहले का जो बीच का था दैट वाज अ डिस्क्रिप्शन. उसके बाद वो लोग, उसने अपना कप रखा, उसने बोला, यू नो शंकर, इट इज रियली क्वाइट स्ट्रेंज. द फर्स्ट टाइम आई केम हियर आई यूज्ड टू सिट क्रॉस लेग्ड ऑन दीज चेयर्स. वो कह रहे हैं कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, मैं यहाँ पर क्रॉस्ड लेग्स बैठता था इस चेयर पे. ऑब्वियसली एट दैट टाइम ही वुड बी वेरी स्मॉल. 6 साल का बच्चा है, अगर वो चेयर बैठेगा तो वो एकदम ही, उसको हर चीज बड़ी बड़ी दिख रही होगी, वो चेयर भी इवन बड़ी होगी. इट सीम्ड एज दो आई वाज सिटिंग ऑन अ थ्रोन. और ऐसा लग रहा था कि मैं किसी राज सिंहासन पे बैठा हूँ. ये देखो सुंदर सा थ्रोन, ठीक है, तो ऐसा लगता था कि मैं इस पे किसी पे बैठा हुआ हूँ. नाउ द चेयर्स seem both small in size and very ordinary. और अब ये सब चीजें बहुत ज्यादा छोटी और नॉर्मल सी लगती हैं. ड्रॉइंग रूम जो था है यहाँ पर used to seem absolutely enormous. जो ड्रॉइंग रूम था वो बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा विशाल लगता था. If I hadn't returned, अगर मैं वापस नहीं आया होता यहाँ, तो वो memories मेरे दिमाग में have remained stuck in my mind forever. तो वो मेमोरीज वैसी ही रहती मेरे दिमाग में अगर मैं यहाँ नहीं आया होता. तो शंकर कहता है कि यस, वो परफेक्टली नेचुरल है, नॉर्मल है. एज अ चाइल्ड वन इज स्मॉल इन साइज. जो इंसान होता है वो छोटा होता है साइज में भी. हर चीज जो होती है सीम्स लार्ज. हर चीज उसको कैसी लगती है? बहुत बड़ी बड़ी लगती है, क्योंकि वो खुद बहुत टाइनी सा होता है. वन ग्रोज बिगर. जैसे ही कोई इंसान थोड़ा बड़ा होता है, but the size of all other things remain the same. Okay, one grows bigger by the time इंसान बड़ा होता जाता है, but बाकी सारी चीजें उतनी ही रह जाती हैं, है ना? Doesn't it? We went for a stroll walk in a leisurely way. तो बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों को vocabulary सीखने को मिलेगी कि टहलना in general is known as strolling. In the garden after tea,
जेंतो सडनली, मतलब वहां पर फिर चाय पीने के बाद वो लोग वॉक पर गए जहां पर उन्होंने दे स्टॉप्ड एंड सडनली जेंतो से ड्योडर, ड्योडर क्या होता है एक ट्री, अ काइंड ऑफ ट्री, अभी आई एम शोइंग यू दैट, ठीक है। यूजुअली जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर दिस काइंड ऑफ ट्रीज आर फाउंड। तो आई स्टेयर्ड एट हिम, मैंने उसको देखा, अ ड्यूडर ट्री, आई ओट टू बी हियर समवेयर, मैं यही कहीं हुआ करता था, ही सेड एंड बिगैन स्ट्राइडिंग। स्ट्राइडिंग देखो लिखा हुआ है, वॉक विद अ लॉन्ग डिसाइसिव स्टेप्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कि मैं पहले से तय करके बहुत ही लंबे लंबे से कदम, डिसाइसिव ऑलरेडी कोई डिसीजन करके आप कोई लंबे लंबे कदम ले रहे हो किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, कि उसने कहा आई ओट टू बी हियर समवेयर, मैं यही कहीं होता था। ही वॉज स्ट्राइडिंग टूवर्ड्स द फार एंड ऑफ द कंपाउंड, जो एकदम, जो कंपाउंड एकदम एंड तक जहां तक है वहां तक वो जा रहा था। वाई डिड ही सडनली थिंक ऑफ ड्योडर ट्री, और उस अचानक से उस ट्री के बारे में क्यों सोचने लगा, दैट वॉज द क्वेश्चन। देखो कंपाउंड भी यहाँ पर दिया हुआ है, कंपाउंड एग्जिस्ट वेन मल्टीपल हाउसेस शेयर अ सिंगल पीस ऑफ प्रॉपर्टी, होगा यहाँ पर हट गया है ये, ठीक है। मतलब कि एक ही प्रॉपर्टी में बहुत सारे मल्टीपल हाउसेस जो होते हैं वो बने हुए होते हैं। अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ समय बाद, आई हर्ड हिज वॉइस एक्सक्लेमिंग जुबिलेंटली, ही वॉज वेरी मच हैप्पी, ही सेड, मतलब जुबिलेंटली मीन्स ग्रेट हैप्पीनेस, या फिर किसी विक्ट्री या किसी जीत से उसने कहा, यस इट्स हियर एग्जैक्टली वेर इट वॉज बिफोर। उसको अचानक से जो याद आया था ट्री, वही उसने बोला, ऑफ कोर्स शंकर कहता है कि वेयर इट वॉज, इट्स वेयर इट वॉज बिफोर, वो वही है जहां वो पहले था। उसने कहा कि यहाँ पर ये लोग उसी डियोडर ट्री की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, आई सेड वुड अ ट्री गो रोमिंग अबाउट, शंकर कहते हैं कि भाई जाहिर सी बात है कि ये ट्री वही है जहां वो पहले था, क्या ये है जरूरी है, ऐसा हो सकता है कि ट्री भी घूम करके आ रहा हो जैसे हम लोग घूम के आ रहे हैं। जेंतो शुक हिज हेड इम्पेशेंटली और उसने कहा नहीं, ही शुक हिज हैंड, उसने कहा नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट, नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, ऑल आई मेंट वाज दैट द ट्री इज वेयर आई थॉट इट माइट बी, और मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ कि मुझे समझ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो ट्री वही है जहां उसको होना चाहिए था। बट वाई डिड यू थिंक सडनली ऑफ अ ट्री, और तुमने उसको क्यों, मतलब अचानक से क्यों तुम्हें उसका ध्यान आया। जेंतो स्टेयर्ड एट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड ही वॉज एंग्रीली, फ्राउनिंग क्या होता है, जब आप ऐसे करके गुस्सा होते हो तो यहाँ पर आपकी फ्राउन लाइंस बन जाती हैं। तो जेंतो स्टेयर्ड एट द ट्रंक ऑफ द ट्री, ट्रंक ऑफ द ट्री इज दिस, ये जो सुंदर सा पेड़ होता है तो इसका ये जो हिस्सा है इट इज ट्रंक ऑफ द ट्री, ठीक है। रुक जाओ हम इसको डिलीट कर दें, ये बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है। हाँ, देन ही शुक हिज हेड स्लोली एंड सेड आई कांट रिमेम्बर दैट नाउ, क्यों मुझे वो ट्री याद आया। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो हम लोग बाद में आंसर करेंगे। और उसने यहाँ पर बोला कि देन ही शुक हिज हेड्स एंड उसने बोला, वो चीज मुझे नहीं याद है कि क्यों ऐसा हुआ, बट ऑल आई रिमेम्बर इज कि हाँ यहाँ पर एक ट्री था। समथिंग हैड ब्रॉट मी नियर द ट्री, कुछ था दैट हैज ब्रॉट मी नियर द ट्री, कुछ था दैट आई हैव डन समथिंग हेयर, देर वॉज अ यूरोपियन और समथिंग, यूरोपियन, तो वो पूछता है क्या, वॉट यूरोपियन। जैन तो कहता है नो आई कैन, आई कांट रिकॉल एनीथिंग एट ऑल, रिकॉल एनीथिंग एट ऑल, मैं अभी कुछ भी याद नहीं रख सकता, मेमोरी इज अ स्ट्रेंज बिजनेस। अब ये क्वेश्चन, इसमें रीजन बेस्ड क्वेश्चन में ये चीज पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू जैन तो मेमरी इज अ स्ट्रेंज बिजनेस, वाई, क्यों, क्योंकि ही कुड नॉट रिकॉल एनीथिंग दैट ही हैड डन अंडर द डियोडर ट्री और रिलेटेड टू द डियोडर ट्री, वो उसको बिल्कुल भी याद नहीं था। ओके, देन दे हैड अ गुड कुक इन द सर्किट हाउस लेटर इन द इवनिंग वाइल वी सैट एट द ओवल डाइनिंग टेबल, दिस इज ओवल, अरे वेट, दिस इज ओवल शेप्ड डाइनिंग टेबल, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, दैट
दे हैड अ गुड कुक इन द सर्किट हाउस, वहां पर एक बहुत अच्छा सा कुक था। इवनिंग के टाइम पर जब हम लोग बैठे उस ओवल डाइनिंग टेबल पे, हम लोग डिनर कर रहे थे, जैनदो ने कहा दैट द कुक दे हैड इन दोज डेज वाज कॉल्ड, उस जमाने में जब हम 6 साल के, तो हम यहाँ आए थे उस टाइम पर, जैनतो क्या कहा गया है दैट, हाँ जैनतो कह रहा था कि जो कुक थे वो उस जमाने के, उसको दिलावर कहते थे। ही हैड अ स्कार ऑन हिज लेफ्ट चीक, स्कार क्या होता है, अ मार्क ऑन द स्किन या फिर बॉडी टिश्यू के अंदर, जैसे कि एक जख्म कोई जला हुआ हो या फिर कोई सोर कुछ निशान सा पड़ गया हो, वो कोई ऐसा जख्म जो हील नहीं हुआ हो, दैट हैज नॉट हील्ड कम्प्लीटली, ओके। और उसके लेफ्ट चीक पर ऐसा निशान था, उसकी आईज हमेशा रेड थी, बट ही वॉज एन एक्सीलेंट कुक। और यहाँ पर कुछ ऐसे करके हो सकता है स्कार दैट यू कैन सी हियर, कोई भी प्रकार का जो आपको निशान पड़ा हो। His eyes were always red, और उसकी आईज हमेशा रेड रहती थी उस कुक की, और उसका नेम क्या था, His name was Dilawar. Then Jayanto's memory began returning. अब एक एक करके उसकी मेमरी जो थी वो वापस आ रही थी, ठीक है। Jayanto's memories began returning one by one after dinner when he went back to the drawing room. जब वो drawing room में वापस आया, he could recall where his father used to sit. वो उसको याद आ रहा था कि उसके father कहाँ बैठते थे, where he used to smoke that cheroot tree, which wait, cheroot is this, ये cigar kind of होता है जो दोनों तरफ से बंद होता है, ठीक है। दिस इज अ शेरूट, इज अ फिल्टर लेस सिलेंड्रिकल सिगार विथ बोथ एंड्स क्लिप्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, ओके। तो वेयर हिज मदर यूज्ड टू निट, निटिंग करती थी उसकी मदर, एंड व्हाट मैगजीन्स ले ऑन द टेबल, और जहां पर मैगजीन्स भी यही टेबल पर पड़ी रहती थी। एंड स्लोली इन बिट्स एंड पीसेस ही रिकॉल्ड द होल बिजनेस अबाउट द डॉल, और उसके बाद उसने वो पूरा बिजनेस अबाउट द, मतलब जितनी भी बातें थी उसको याद आई थी वो सब उसने याद किया। वी विल स्टडी टिल हेयर ओनली, जहां पर ही विल डिस्क्राइब हिज डॉल, ओके। अब यहाँ पर क्या कहा गया उसकी डॉल के बारे में, दिस इज द काइंड ऑफ डॉल, एक स्विट्जरलैंड का एक्सपीरियंस लेकर के, तो हमने दो ही फोटोज इसमें रखी है सो दैट आपको ये चीज समझ में आ जाए। बस जो डॉल है दैट वॉज अ मेल, ही बोला गया बॉय थी यहाँ पर, ये था मतलब, ठीक है। इट वॉज नॉट अ यूजुअल काइंड ऑफ डॉल गर्ल्स प्ले विद, वन ऑफ जैनतोज अंकल उसको लेकर आए थे, इट वॉज ब्रॉट फॉर हिम फ्रॉम स्विट्जरलैंड, अ 12 इंच लॉन्ग फिगर ऑफ एन ओल्ड मैन। अब 12 इंच कैसे आप समझ सकते हो, दैट इट वॉज समथिंग अबाउट, जितनी बड़ी बड़ी वाली स्केल होती है जो आप यूज करते थे, ठीक है, छोटी वाली, उसके बाद वो बड़ी वाली स्केल होती है, उतनी बड़ी वो डॉल थी। इट वॉज अ लॉन्ग फिगर ऑफ अ ओल्ड मैन, ओके, इट वॉज अ फिगर ऑफ एन ओल्ड मैन जो फ्रिट्ज डॉल थी वो। इट वॉज ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल स्विस स्टाइल, हमने दिखाया उसको, अपेरेंटली एज फार एज वन नोज, जितना कि मैं जानता हूँ या वो जानते हैं, इट वॉज अ वेरी लाइफ लाइक, वो ऐसे लग रही थी, ऐसे डॉल थी जैसे लगता था वो एक्चुअल में इट इज अलाइव। Although it was not mechanized, भले उसमें कोई भी mechanical चीज नहीं थी, machine कुछ भी नहीं था, it was possible to bend and twist his limbs, जितने भी उसके हाथ पैर थे उसको हम bend और twist कर सकते थे, वापस नीचे कर सकते थे और ऊपर भी कर सकते थे, okay। हम आपको अपनी doll भी दिखा सकते हैं, but अभी I will show you in the next video, वही बगल में ही बैठी हुई है। Its face had a smile on it, okay, उसके face पे हमेशा एक smile था, and on its head एक Swiss cap थी with a yellow feather sticking out from it, जैसे कि normally जिसमें मोर या कुछ का पंख लगा होता है वैसे उसमें एक yellow color का feather था। इसमें let me see इस वाली doll में क्या है, जैसे इसमें ये उसने एक cap पहनी हुई है वैसे कर गई, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, दैट इट्स क्लोथ्स, उसके जो क्लोथ्स थे वो कैसे थे, वो बहुत लिटिल डिटेल्स में, इट वाज वेरी परफेक्ट, बेल्ट थी, बटन से, पॉकेट से, कॉलर से और सॉक्स से,
और इवन उसके जो शूज थे उसमें भी छोटे छोटे से बकल्स बने हुए थे, जैसे बेल्ट वाले बकल्स होते हैं वैसे करके वो भी बने हुए थे। तो दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉल जो आपको याद रखना है, सो दैट इन केस पूछ लिया जाता है या बहुत ही माइन्यूट सी कोई चीज इसमें से पूछ ली जाती है, यू नीड टू नो दैट। ओके, तो दिस कंप्लीट्स माय पार्ट वन हियर। इसके बाद वी विल कंटिन्यू द होल ऑफ द एरी एटमोसफेयर स्टोरी इन पार्ट टू ऑफ दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। समझ में आया है तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। बेस्ट विशेस। थैंक यू।